ये देखिए दोस्तों, बेरुलाल जी प्रजापति आज मछलियों को दान कर रहे हैं। तो और दान करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमेशा दान पुण्य में आगे रहे। ये अनासागर पे चौपाटी पे देखिए मछलियां। हेलो दोस्तों, ये काम मुझे मेरा बहुत फेवरेट काम है और ये मेरा पहले नहीं था। हमारे एक जी जी है गोपाल जी प्रजापत लसाड़िया, उन्होंने कहा कि ये काम बहुत अच्छा रहता है, प्लीज़ आप, इसमें बहुत सुकून मिलता है और घर में शांति रहती है, आराम से परिवार में बहुत खुशी रहती है और आपका काम भी इससे अच्छा चलता है। इसीलिए आज मैं शंकर जी जी से मिलने भी आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मछलियां दाना खा रही है। ये देखिए और हमेशा दान करते रहे, अपने दान धर्म में हमेशा आगे रहे। ये अपने साथ जाता है, अपन इंसान अपने कर्मों से कुछ भी लेके नहीं जाते, एक सुई भी लेके नहीं जाते, लेकिन अपने कर्मों से अच्छे कर्म और अच्छी बोली और ये दान पुण्य ये जरूर अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में ये मिलता है अपने को, तो इन्हीं कर्मों के हिसाब से अपने को वापस जन्म मिलता है। तो आप दान पुण्य अवश्य करते रहे और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया जी शंकर लाल जी प्रजापत माकड़वाली अजमेर। आज इन्होंने एक छोटा सा व्लॉग शूट किया हमारे YouTube चैनल के ऊपर, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर व्लॉग बना रहे तो फिर उसे बिगाड़ना क्यों, अच्छा तरीके से बनाया और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। और वैसे दोस्तों, ये जो अभी हमने मछली को ये खिलाया, इसके बारे में आप सोचोगे कि यार आज आप डाल रहे हो और वीडियो बना के डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको कुछ बताएं, लेकिन ये आप मतलब आप गलत सोचोगे कि यार आज डाल रहे तो आज वीडियो बना के डाल दिया, आप प्लीज़ गलत मत। हाँ, ये काम हमेशा करते रहे और हमेशा कभी ना कभी आपको जैसे समय मिले आप करते रहे, धन्यवाद। और ये देखिए आना सागर के अंदर दोस्तों, ये है टापू बना हुआ जहाँ अपन जहाज के द्वारा घूमने जाते हैं, ये जहाज से जाते हैं, वहाँ अंदर बना हुआ है टापू। शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छी और शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, काफी सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ होती है, चलती रहती है। सभी दोस्तों को जय राम जी की, नमस्कार। तो अभी मैं वापस गांव जा रहा हूँ, जय श्री श्रीयादे माँ।